हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, जो लास्ट ब्लॉग था वो था करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। तो वो ब्लॉग काफ़ी अच्छा रहा और बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, उससे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है कि हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएं। तो इसलिए आप कमेंट्स प्लीज़ करते रहा करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर किया करिए। अब एक तो मुझे आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, मुझे लगता है शायद वो बेल आइकॉन अभी क्लिक नहीं किए हैं, जिससे उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो जो सब्सक्राइबर के बगल में छोटा सा एक घंटी जैसा निशान दिखता है ना, उसको दबा दो यार, क्योंकि अगर उसको दबा दोगे तो उससे क्या होगा, जब ऑल पे जाके नोटिफिकेशन पे बटन दबा दोगे तो मेरी जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी वो आप लोग को मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो अब आते हैं हम लोग इस ब्लॉग पे। तो ये ब्लॉग जो है, ये करवा चौथ जो हमको गिफ्ट मिला था उसकी अनबॉक्सिंग का ब्लॉग था। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं बनाऊंगी, तो आज मैं वही जा रही थी ब्लॉग बनाने के लिए। तो और दूसरी बात, मुझे एक चीज़ और बोलनी थी, मुझे ये बोलनी थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लड़कियाँ करवा चौथ का व्रत गिफ्ट के लिए रखती हैं, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियाँ गिफ्ट के लिए नहीं परेशान रहती कि हमें हर करवा चौथ पे गिफ्ट मिले। इनफैक्ट उनके हस्बैंड उनको एक रोज़ भी ला के दे देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा फील होता है। मतलब उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ मिलता है, मतलब कुछ दे देते हैं हस्बैंड, तो उनको एक स्पेशल फील होता है कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखा था और वो अपनी खुशी के लिए मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड या फिर सिल्वर हो या डायमंड हो या फिर क्या कहते हैं, कुछ भी इस टाइप का कपड़े वपड़े आप रोज़ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। बस एक खुशी होती है उसको पाने के बाद, जो वुमेंस होती हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनबॉक्सिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, तो बहुत सारे ज़्यादा नहीं बोलना चाहती मैं, सीधे गिफ्ट पे आती हूँ और हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए, और जब भी कोई गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कोई भी गिफ्ट हो, इसको अनबॉक्सिंग करने में कितना मज़ा आता है ना। तो अभी फ़िलहाल तो मैं उस मोमेंट को एंजॉय करने वाली हूँ और आप लोग इस वीडियोस में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, ये रहा गिफ्ट उस क्या बोलते हैं इसको कैरी बैग में। तो अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। तो ये है, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा पेशेंस मतलब नहीं हुआ, मैंने कहा कि यार देखते हैं क्या है। तो इसमें दो है, एक ये है और एक ये है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको खोलती हूँ, देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें है, क्या हो सकता है आप गैस करके बताओ। चलो इसमें तो इसमें है, वाह बहुत प्यारा सा है ये, और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये है पेंडेंट, ये बहुत 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 प्यारा गिफ्ट लग रहा है। इसको मैं पास से आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी डिजाइन ना बहुत ही कूल है यार, मतलब ये देखो आप, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट सा है, छोटा सा है, प्यारा सा, और बहुत प्यारा लगा मुझे ये। इसको आप चैन में या फिर पतली सी कोई चैन होगी उसमें डाल के पहनोगे तो बहुत ही क्यूट सा लगेगा। मतलब पहनूंगी मैं, आप नहीं, मतलब अगर आपको पसंद है तो आप इस टाइप से जाके ले सकते हैं गोल्ड की शॉप पे। तो बहुत प्यारा सा लगा मुझे ये गिफ्ट, तो ये बहुत ही क्यूट सा था और ये बहुत अच्छा है। अगर मतलब इसको कभी भी छोटे मोटे क्या, मतलब आप डेली वेयर में इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, मतलब मैं डेली वेयर में इसको यूज़ कर सकती हूँ, और इसके बाद अगर मैं नहीं पहनती तो इसको पीको भी पहन सकती, क्योंकि बहुत छोटा सा प्यारा सा है, तो ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इसको डेली वेयर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो थैंक यू सो मच फॉर लवली गिफ्ट। एंड सेकेंड गिफ्ट जो है वो ये है, और ये गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बड़ा डब्बा है तो कुछ बड़ा गिफ्ट हो, तो ये वाली मुझसे फीलिंग आ रही है। तो ये गिफ्ट जो है वो ये है, और ये बहुत 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 ही औसम गिफ्ट है, मतलब बहुत ही प्यारा सा है। वो जो जोधा रिंग बोली जाती है ना, वो ये रिंग है, और बहुत प्यारी लग रही है। इसकी डिज़ाइन मैं आप लोगों को फ़ोटो दे दूँगी, बहुत प्यारी लग रही है, आप चाहे तो इस टाइप से बनवा सकते हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये गिफ्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको हम लोग नॉर्मली साड़ी में वियर कर सकते हैं, सूट में वियर कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है। और इस टाइप के हैवी रिंग्स तो डेली वेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है डेली पहनने के लिए। बाकी अदरवाइज आप साड़ी वगैरह पर पहनेंगे या सूट वगैरह में पहनेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा आपको, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच गिफ्ट। और दूसरी बात ये है कि अभी जब अक्टूबर आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा वाला फीलिंग आता है, पूछो क्यों, क्योंकि
आप कैसे पूछ पाओगे, आप तो ब्लॉग देख रहे हो ना, तो इसलिए अच्छी फीलिंग्स आती है मुझे, क्योंकि जब अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, नवंबर में 15 नवंबर को मेरा जन्मदिन आता है, तो इस टाइप से जो अभी जो गिफ्ट की प्रक्रिया है मेरे जीवन में वो अक्टूबर से चालू हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग को ये गिफ्ट कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ कॉमेंट करिएगा ही, ऐसा नहीं है आप लोग कमेंट नहीं करते तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छा लग रहा ब्लॉग। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको गिफ्ट मेरा, पहनूंगी तो मैं ही इसको लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो गाइस अभी ये करवा चौथ के अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोग कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।